अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि हम लोग MS फेलोशिप टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, और उसमें हम काफ़ी डिस्कशन जो है कर चुके हैं प्यास के बारे में, प्यास की हिस्ट्री के बारे में, और डिफरेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं कि अगर आपको फेलोशिप पे एडमिशन प्यास में नहीं मिलता तो क्या आपको रेगुलर फी बेसिस पे एडमिशन ले लेना चाहिए, रेगुलर फी बेसिस और फेलोशिप में फ़र्क क्या है, और ये सारी डिस्कशन जो है हम कर चुके हैं। तो आज जो है हम अपनी डिस्कशन को जो है आगे बढ़ाते हैं, और आज का जो हमारा डिस्कशन है उसमें जो कंटेंट्स हम देखेंगे वो होंगे कि प्यास में MS के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन में एडमिशन ऑफर होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है प्यास में MS फेलोशिप के लिए अप्लाई करने का, आप अप्लाई करते कैसे हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या कोई फॉर्म फिल करके बाय पोस्ट सबमिट करना होता है, और टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल्ड कब होते हैं, और टेस्ट सेंटर्स और इंटरव्यू सेंटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक्स आज हम बड़ी डिटेल्स में कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलें अब हम कर लेते हैं अपनी वीडियो का आगाज। तो जहाँ तक बात है डिसिप्लिन की, ये मैं जो आपको ये चार्ट दिखाया है ये बेसिकली 2021 में की बात कर रहा हूँ कि 2021 में प्यास में MS में इन इन डिसिप्लिन में एडमिशन जो है वो ऑफर हुए थे, मेटलर्जी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग, और इस तरह ये आपको कुछ साइंसेस के, मेडिकल फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और बायोलॉजिकल से रिलेटेड, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेडिएशन मेडिकल ऑन्कोलॉजी। तो ये डिफरेंट डिसिप्लिन, तो नॉर्मली हमेशा ही ये डिसिप्लिन ऑफर होते हैं, समटाइम दो चार डिसिप्लिन इसमें से कम होते हैं और किसी साल दो चार वो ऐड हो जाते हैं। जैसे कि अब हर दफा रेडिएशन फिजिक्स जो है वो ऑफर नहीं होती, लेकिन 2021 में जो है वो रेडिएशन फिजिक्स ऑफर हुई थी। अगर उससे पीछे 2 साल की बात की जाए तो तब रेडिएशन फिजिक्स जो है लास्ट ईयर भी रेडिएशन फिजिक्स ऑफर हुई थी, लेकिन उससे लास्ट ईयर रेडिएशन फिजिक्स जो है वो ऑफर नहीं हुई थी। 2019 में रेडिएशन फिजिक्स ऑफर नहीं हुई थी। और जहाँ तक बात है मेडिकल फिजिक्स की, तो मेडिकल फिजिक्स ऑलमोस्ट हर दफा ऑफर होता है डिसिप्लिन, लेकिन इस दफा जो मेडिकल फिजिक्स की एडमिशन हुए हैं उसमें फेलोशिप नहीं थी, वो रेगुलर फी बेसिस पे मेडिकल फिजिक्स के एडमिशन हुए हैं। तो ये चीजें जो है वो वेरी करती हैं। तो और नॉर्मली होता यही है कि एक एक साल मेडिकल फिजिक्स ऑफर होती है तो उस साल रेडिएशन फिजिक्स की फेलोशिप नहीं होती, और अगर रेडिएशन फिजिक्स की फेलोशिप हो तो मेडिकल की नहीं होती। बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही ट्रेंड है। और बाकी जो डिसिप्लिन हैं जिस तरह मटेरियल्स इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर, प्रोसेस सिस्टम, फिजिक्स, इनकी हर दफा जो है वो फेलोशिप इनमें डिसिप्लिन में ऑफर होती ही है। तो ये डिफरेंट, और ये जो सारे जो डिसिप्लिन हैं इनमें से कुछ डिसिप्लिन जो हैं वो प्यास में उनमें MS कराया जा रहा है, और कुछ जो है वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, वो फैसलाबाद में इनके इंस्टीट्यूट है वहां पे हो रहे हैं, और इस तरह किनपो भी है कराची में, वहां पे भी न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो हो रही है। तो ये वो मैंने बता दिया कि 2021 में जो किनपो में जो MS एडमिशन ऑफर होते हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर इंजीनियरिंग में हुए थे 2021 में। इसके अलावा NIVGE में जो एडमिशन हुए थे वहां पे MPhil बायोटेक्नोलॉजी थी, ये बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ही एक जो है इंस्टीट्यूट है, जिस तरह प्यास है किनपो है। तो और इस तरह ये NIAB, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी, यहाँ पे MPhil बायोलॉजिकल साइंसेज में एडमिशन 2021 में ऑफर हुए थे। तो अब बात को आसान अल्फाज में कर लेते हैं, क्या बात डिस्कस की कि प्यास में जो डिसिप्लिन मैंने आपको डिफरेंट दिखाए कि इनमें फेलोशिप जो है वो ऑफर होती है, और रेगुलर के लिए तो इन सब डिसिप्लिन में सीट्स होती होती हैं, और काफी ज्यादा सीट्स होती हैं, और नॉर्मली फेलोशिप की जो सीट्स होती हैं हर साल वो 150 के करीब करीब होती हैं, इससे कुछ ऊपर भी हो सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं।
और हर फिर सब्जेक्ट की कितनी होती है वो वेरी करती हैं। और रेडिएशन फिजिक्स और मेडिकल फिजिक्स में नॉर्मली दोनों में से किसी एक में 1 साल फेलोशिप ऑफर होती है और दूसरा जो है या रेगुलर पे ऑफर होता है या रेगुलर पे ऑफर नहीं होता, होता ही ऑफर नहीं है। तो ये चीज होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। आप एमएस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। एक तो ये है कि आपका आपका थ्रू आउट कैरियर जो है एक सेकेंड डिवीजन जो है वो एक्सेप्टेबल है, हो सकती है, पर आपकी जो लास्ट डिग्री है, जिस तरह अगर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं फेलोशिप के लिए, तो आपका जो बीएस की डिग्री है उसमें आपकी सेकेंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। आपकी एफएससी में सेकेंड डिवीजन थी या मैट्रिक में, तो उन दोनों में से अगर किसी एक में आपकी सेकेंड डिवीजन थी तो चलेगा, लेकिन आपकी बीएस में सेकेंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। तो क्या बात समझ आई, एक सेकेंड डिवीजन हो सकती है लेकिन लास्ट डिग्री में नहीं होनी चाहिए। मान लें कि मैट्रिक में आपकी सेकंड डिवीजन है तो आपकी एफएससी में फिर सेकंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, और बीएस में तो आपकी सेकंड डिवीजन होनी ही नहीं चाहिए, बीएस में तो आपकी फर्स्ट डिवीजन ही होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड ये है कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ के आए हैं तो आपका 4 में से 2.5 जो है मिनिमम सीजीपीए जो है होना चाहिए, तब आप एमएस फेलोशिप के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। इससे कम सीजीपी होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। और अगर आपने जियोलॉजी, कंप्यूटर केमिस्ट्री इनमें एमएससी या 4 साल बीएस किया हुआ है तो आपके लिए लाजिम है कि आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो अपने इन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ी हुई हो। और अगर आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, खास तौर पे ये कंप्यूटर केमिस्ट्री और जियोलॉजी वाले, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी फिजिक्स वाले लोग हो गए या इंजीनियर्स हो गए, उन्होंने तो मैथ और फिजिक्स तो वो पढ़ी ही होती है। और जहां तक एज की बात है तो एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। जो फेलोज हैं, अगर जिस तरह एमबीबीएस के जो बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है कि अगर आपकी एज 32 है तो आप 32 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये अपर लिमिट है। 32 से अगर आपकी एज ज्यादा हो जाती है जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इस तरह जो बाकी डिसिप्लिन है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, उनके लिए जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स है। 27 ईयर्स से ज्यादा आपकी एज होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एमएस फेलोशिप के लिए। और अगर बात की जाए रेगुलर फी बेसिस की, तो रेगुलर फी बेसिस के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर उनकी एज 27 से कम है, ज्यादा है, जो भी है, वो एलिजिबल है और वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं, मान लें कि 7 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर जिनका चल रहा है, जिनका अभी तक रिजल्ट जो है वो नहीं आया, तो वो स्टूडेंट्स भी जो है वो एलिजिबल होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एमएस फेलोशिप के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सम अप कर लेते हैं। एक आपका थ्रू आउट कैरियर एक सेकेंड डिवीजन अलाउ है, लेकिन आपकी लास्ट डिग्री जो कि बीएस है, एमएससी है, उसमें सेकेंड डिवीजन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सीजीपीए आउट ऑफ 4 2.5 होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने अंडर ग्रेजुएट पे फिजिक्स और मैथ आपका पढ़ा होना लाजिम है। और एज लिमिट एमबीबीएस के लिए 32 है, रेगुलर फी बेसिस के लिए कोई एज लिमिट है नहीं है। और बाकी रिमेनिंग डिसिप्लिन जो है जिसमें फिजिक्स आ जाती है, आपकी जो भी बाकी डिपार्टमेंट है, आपकी केमिस्ट्री आ जाती है, आपकी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूक्लियर, उनके लिए एज लिमिट 27 है। और एज लिमिट बहुत एक अहम फैक्टर होता है, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी अवेटिंग है, रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं एमएस फेलोशिप के लिए। अब बात कर लेते हैं कि फेलोशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो फेलोशिप के लिए अप्लाई जो करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं, और वेबसाइट जो है प्यास की, red.pyas.education.pk, वहां पे जाके जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सेकंड, क्या मोबाइल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो नहीं, आपको इसके लिए पीसी या लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। तो आपको लैपटॉप और पीसी से जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करते हैं, और उसके बाद एक आपके पास जो है फी चलान जो है वो जनरेट होता है, जो कि नॉर्मली लास्ट टाइम 2021 में
जो है 3500 का था और ये वेरी करता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये 4000 भी हो सकता है 2022 के जो कमिंग एडमिशन हैं। और वो आप HPL की ब्रांच में वो फी चालान जमा करा देते हैं और उसके बाद जो है वो उसकी तस्वीर जो है वो आप वहां पे अपलोड कर देते हैं, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो ये जो पार्टिकुलरली 2021 में जो शेड्यूल दिया गया था प्यास की तरफ से, वो ये था कि MS फेलोशिप के जो एडमिशन थे इनका न्यूज़पेपर में ऐड आया था 25 अप्रैल 2021 को इतवार को, जबकि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो 20 अगस्त 2021 फ्राइडे थी, और रिटर्न टेस्ट जो हुआ था वो सैटरडे को हुआ था 2021 को तमाम सिटीज के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा, और जो सैटरडे को हुआ था रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डेट जो है वो एग्जैक्ट मेंशन नहीं की हुई, क्योंकि इस एड में वो उस टाइम तक डेट डिसाइड नहीं हुई थी, तो इन्होंने यही जस्ट मेंशन कर दिया है कि एक नॉर्मली जो होता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के लिए एक दिन होता है और बाकी सिटीज जो होते हैं उनके लिए उनके लिए उससे नेक्स्ट वीक होता है। तो पहले वीक हो सकता है रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए हो सकता है, दूसरे सिटीज के लिए हो और वाइस वर्सा भी हो सकता है। और जब भी टेस्ट होता है तो उसका जो रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो टेस्ट के 2 हफ्ते बाद प्यास की वेबसाइट पे जो अपलोड हो जाता है red.pyas.education.pk पे। ठीक है, और फिर जो इंटरव्यूज का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो 23 अगस्त से 4 सितंबर में हुआ था, ये अगर 2021 की बात की जाए। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले हुई थी वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हुई थी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो थी प्यास में वो 8 नवंबर 2021 थी। ये तो 2021 का शेड्यूल था। नॉर्मली ये होता है कि अप्रैल में न्यूज़पेपर में ऐड आ जाते हैं, और जो अप्लाई आप लोग कर देते हो और आपका जो टेस्ट होता है वो जून से जुलाई में आपका टेस्ट होता है, और जो रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो 2 हफ्ते बाद ही आता है अगस्त में, और अगस्त में ही अगस्त के एंड में जाके आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं और सितंबर के पहले वीक तक जाते हैं, और अक्टूबर के आखिरी वीक में जाके फाइनल लिस्ट जो है डिस्प्ले होती है, और नवंबर 10 से 11 नवंबर से जो है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है प्यास में। तो ये इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता है, टेस्ट और इंटरव्यू शेड्यूल्ड होता है। अब टेस्ट सेंटर कौन कौन से होते हैं? काफी सारे सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे प्यास के MS फेलोशिप का टेस्ट होता है, पिशावर, एबटाबाद, कराची, भावलपुर, मियांवाली, DI खान, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरात, जमशोरो, लाहौर, लरकाना, मालागंज, इस तरह मुल्तान, सरगोधा, क्वेटा, इन सब सिटीज में जो है वो प्यास के MS फेलोशिप टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है। और अगर कोई आपके सिटीज में नहीं है तो जो आपके सिटी के करीब करीब है तो वहां पे जो है वो आप अपना टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं, और टेस्ट सेंटर चूज करते हैं जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो ध्यान से इसे फिल किया कीजिए। ठीक है, और जो इंटरव्यू सेंटर्स होते हैं वो सिर्फ 3 ही होते हैं, एक वो इस्लामाबाद होता है, दूसरा लाहौर होता है और कराची होता है, और ये ही जो है वो था टेस्ट और इंटरव्यू सेंटर से रिलेटेड। और आज की हम अपनी डिस्कशन जो है यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट हम प्यास से रिलेटेड मजीद नई चीज़ों के साथ जो है वो आपके सामने पेश होंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।